फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मसाले वाले बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं सरसों मसाला से बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम बैंगन ले लिया कट करके इस तरह से, और 2 प्याज मैंने मीडियम इस तरह से काट लिया है, और मैंने 4-5 आलू को इस तरह से छील के ले लिया है। इसे भी हम इस तरह से डाइस में काट लेंगे। आप देख सकते हैं, इसे इस तरह से आप काट ले डाइस में। इसी तरह से मैं ये सारे को इस तरह से काट लूँगी। अब मैं सबसे पहले गैस पे पैन को चढ़ा दूंगी, उसमें 1-2 चम्मच इस तरह से ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 चम्मच मैं इस तरह से जीरा डाल दे रही हूँ। उसके साथ ही मैं ये जो प्याज जो मैंने कट करके रखा था उसे भी इसमें डाल दूंगी। फिर आप इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर ले। इसे 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं इसमें आलू डाल दूंगी और इसे भी एक बार इस तरह से मिक्स कर लूंगी। इसे इसी तरह से 2 मिनट तक आप फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं आलू का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ, और इसमें स्वाद के अनुसार मैं 1 चम्मच इस तरह से नमक डाल दे रही हूँ। उसके बाद आप इसे अच्छे से एक बार इस तरह से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी जो मैंने इस तरह से काट करके रखा था। आप इसे डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर दें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। जब तक हमारे बैंगन पक रहे हैं तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये 8-10 कली लहसुन के ले लिए हैं, जीरा और ये काली मिर्च, 2 मैंने रेड मिर्ची ले लिया है, और ये मैंने सरसों, पीली वाली जो सरसों होती है वो मैंने इसमें यूज कर रही हूँ। इन सबको मैं अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें एक प्याज भी ऐड करके इसे अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना ले। आप देख सकते हैं मैंने इसका फाइन सा एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इन मसालों को मैं बैंगन में डाल दूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं, आप इस तरह से इसे डाल दें इसके ऊपर से। डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके आप इन्हें फटाफट इस तरह से आप फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं ये हमारे बैंगन और आलू की सब्जी कितनी अच्छी देखने में लग रही है। आप इसी तरह से आप हाई फ्लेम पे ही इसे 5 मिनट तक फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 1-2 चम्मच क्रश करके इस तरह से कसूरी मेथी में डाल दूंगी, और इसे भी एक बार इस तरह से मिक्स कर दूंगी। ये सब्जी पूरी, पराठे, ये सब के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें। आप चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज का यूज नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप बनाएंगे सरसों मसाले वाली सब्जी तो भी ये बहुत अच्छी ही बनेगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं इसमें हल्का सा पानी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, बस हल्का सा मैं इसमें यूज कर रही हूँ ताकि ये मसाले जो है अच्छे से फ्राई तो हो चुके हैं लेकिन अच्छे से ये पक सके, इसलिए मैं हल्का सा बस वाटर का यूज कर रही हूँ। आप इसमें हल्का सा पानी डाल दें। उसके बाद आप इसे अच्छे से ढक करके इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लें। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कैसी लग रही है। मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ ये पकी है या नहीं। आप देख सकते हैं ये आलू भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इस तरह से धनिया पत्ता इसमें डाल दूंगी हल्का सा, और अब गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। आपको हमारी ये सब्जी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।